राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube, सोशल मीडिया, फेसबुक वर्ल्ड पर गजानन एस्ट्रोलॉजी। और हमेशा की तरह मैं उपस्थित हूँ आपका एस्ट्रो मित्र पंडित गजानन कृष्ण महाराज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बिजनेस रिलेटेड है, व्यापार रिलेटेड है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी चीज़, लेकिन ये ऐसा विषय जो हमारे साल भर के व्यापार को बनाए रखता। जी, मैं बात कर रहा हूँ दीपावली का जो पंचदिवसीय उत्सव होता है, धनतेरस से प्रारंभ हो करके रूप चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा, भाई दूज, उस समय एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए। मानते हैं कि ऐसा माना जाता है, शास्त्र ऐसा बताता है कहीं कहीं कि दीपावली को नया साल भी माना गया है, ए न्यू ईयर। यहाँ से एक नया संबंध, गुजराती प्रांत आदि कुछ लोग इसको नया साल भी मानते हैं। बहरहाल, यदि हमने लक्ष्मी जी की पूजा की है दीपावली को, तो यह एक बहुत बड़ा विषय बनता है कि हम लोग उसके बाद, उस लक्ष्मी जी आ तो गई बट वह स्टेबल कैसे रहे, स्थिर कैसे रहे, उसके लिए अच्छे दिन को जो हम नया बिजनेस करते हैं, नया व्यापार करते हैं, वह अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त, अच्छे एस्ट्रो कैलकुलेशंस होने बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे साल 2019 में दीपावली की पूजा के बाद आपको नया व्यापार कब करना चाहिए। सबसे पहले दीपावली कब है ये जाने हम। 27 तारीख दीपावली रविवार को रहेगी, उसके दूसरे दिन कई लोग बताते हैं कि 28, 29 को, लेकिन हम एक एक दिन पर चर्चा करेंगे। 28 को तिथि क्षय है, अमावस और प्रतिपदा एक साथ हो गई है, तो 28 का तो क्षय तिथि को तो फिर उसका कोई तर्क बनता ही नहीं है, कोई लॉजिकल रीज़न होता ही नहीं है, एक बात। दूसरी हम बात करेंगे 28 की, अगर क्षय तिथि हुई, 29 की अगर हम बात करेंगे, उस दिन नक्षत्र आता है विशाखा नक्षत्र। अब विशाखा नक्षत्र यानी विष, मतलब आपको कोई किसी को उल्टे काम करना हो तो उसके लिए यह नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन नया व्यापार तो बहुत शुभ है, इसलिए हमने साल 2019 में जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त दिया है नए व्यापार का दीपावली के बाद, वो हमारे अनुसार श्रीनाथ ज्योतिष कार्यालय के अनुसार 30 तारीख बुधवार यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तीज रहेगी, तीज तिथि, और 30 तारीख को। इस दिन की हम कुछ विशेषता जान लें। सबसे पहले इस दिन क्या है, इस दिन वार है, बुधवार। देखिए, पंचांग जब हम बोलते हैं तो उसमें 5 योग, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, इसमें वार का बहुत महत्व है, नक्षत्र का बहुत महत्व है। तो 30 तारीख को बुधवार आ रहा है, बुधवार व्यापार के लिए बहुत प्रशस्त माना गया, बहुत सुंदर माना है। दूसरा उस दिन एक अच्छा योग आ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग, इसको भी बहुत शुभ माना गया है। तीसरा है उस दिन नक्षत्र, जैसे मैंने अभी बताया कि पंचांग के 5 अंग में नक्षत्र प्लेस ए वेरी वाइटल रोल, तो इस दिन अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र भी बहुत सुंदर है। फिर तिथि, अंत में तिथि है भैया तीज। एक पारंपरिक प्राचीन कहावत आती है कोई के तीज के तेरस, ऐसे हमारे पुराने लोग कहते थे कि कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो या तो तीज है या तेरस है, तो फिर उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस दिन तीज है। तो ऐसे 4 दुर्लभ योगों का संग्रह इस बार बन रहा है बुधवार 30 अक्टूबर 2019 को। अब हम समय की बात करते हैं कि नया व्यापार कब अच्छा रहेगा। देखिए, दो चीज़, या तो आप दीपावली की पूजा कर रहे हैं, हाथों हाथ कर ले तुरंत जो भी समय हो, दैट इज़ दी बेस्ट। किसी कारणवश ना कर पाए तो फिर 30 तारीख को समय रहेगा, प्रातः 1 है सुबह 6:10 से 7:48, 6:10 to 7:48 AM। और दूसरा उसके बाद, ये आपको लगे जल्दी है, दूसरा उसके बाद रहेगा 9:11 सुबह में से लेकर के 10:37, यह दूसरा मुहूर्त है। और आपको लगे ये भी चूक जाता कोई कारणवश, तो फिर अभिजीत विजय मुहूर्त रहेगा सुबह दोपहर 11:47 से 12:31। देखिए, इन मुहूर्त पर करने से होता क्या, नहीं तो फिर हम मंदी चल रही है, पता नहीं किस किस को दोष देते हैं। हम एक दिन दो दिन रुक नहीं सकते, हमको लगता है दीपावली पूजा हो गई, या तो तुरंत कर ले दी बेस्ट, नहीं तो फिर मुहूर्त अनुसार करने से व्यापार। आज आप देखिए, मैं छोटा उदाहरण दूंगा आपको, गुजरात ये लोग लाभ पंचमी को करते हैं, जो इस बार 1 तारीख को आ रही है, 1 नवंबर को। 5 दिन घूमने जाते हैं, जो भी करना है करते हैं, 5वें दिन ये फिक्स होता है कि उनको उसी दिन करना है, 5 दिन के बाद दीपावली से। और आज गुजरात देखिए कितना तरक्की कर रहा है। तो मैं भी भारत के अन्य प्रांत में जो लोग रह रहे हैं, आपसे विनती करूँगा, व्यापार को यदि आप सुस्त मोड से
बाहर निकालना चाहते हैं और खूब पैसा कमाना चाहते हैं तो ये मुहूर्त आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पुनः आप सभी के लिए दीपावली बहुत बहुत मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान वृंदावन बिहारी लाल की आप सभी पर कृपा रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।